सीबीआई जांच से डरे हुए हैं हरीश रावत और अब नैनीताल हाईकोर्ट में पहुंचे हैं। हरीश रावत ने स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच रोकने की मांग की है। हरीश रावत ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। दोपहर 2:15 पर मामले की सुनवाई होने जा रही है। स्टिंग में विधायकों की खरीद फरोख्त करते नजर आए थे हरीश रावत। मामले में सीबीआई ने हरीश रावत को 2 समन भेजा है, दोनों बार सीबीआई के सामने उपस्थित नहीं हुए हैं हरीश रावत। अब हरीश को फिर समन भेजने की तैयारी कर रही है सीबीआई। स्टिंग की जांच को रोकने के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कैबिनेट में भी फैसला करवाया। हरीश रावत कैबिनेट ने जांच रोकने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया। हरीश कैबिनेट का नोटिफिकेशन सीबीआई ने रद्द कर दिया। सीबीआई ने कहा कि हरीश रावत की स्टिंग की जांच जारी रहेगी। आखिर क्यों सीबीआई जांच से बचना चाहते हैं हरीश रावत, सबसे बड़ा सवाल यही है। गौरव जोशी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, तो 2:15 पर सुनवाई होने जा रही है। जी घनश्याम, बताऊं नैनीताल हाईकोर्ट में एकल पीठ में अभी सुनवाई होनी है। 2:15 सुनवाई होगी, जिसमें हरीश रावत की तरफ से याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा है कि जो सीबीआई जांच होनी है वो गलत है और इसमें एसआईटी गठित करके इसमें जांच की जाए ताकि हरीश रावत सीबीआई जांच से बच सके, जिसकी सुनवाई अभी 2:15 होनी है। जी घनश्याम। और गौरव, कानून के जानकार क्या कह रहे हैं, कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, क्या दलीलें दी जा सकती है और क्या इस पे फैसला आ सकता है असल में? जी घनश्याम, यदि इसमें फैसला तो शायद आज कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आज 2:00 जैसे सुनवाई होगी, इसमें मामला लंबा चलेगा और उसके बाद कल से कोर्ट में छुट्टियां होने वाली हैं, तो मामला 10 बाद के रहेगा। और जो कानूनी जानकार बता रहे हैं कि सिर्फ ये राहत लेने के लिए, कुछ समय के लिए राहत लेने के लिए हरीश रावत ने याचिका दायर की गई है ताकि वो इस मामले को कुछ लंबा खींच सके। बहुत शुक्रिया गौरव तमाम बात किसी के लिए। सिंह मामले में हरीश रावत पर सीबीआई का शिकंजा कसने वाला है। सीबीआई जल्द ही हरीश रावत को समन देने की तैयारी में है। ऐसे में हरीश रावत सीबीआई से बचने के लिए कोर्ट का सहारा लेने की तैयारी में जुटे हैं ताकि कुछ और समय मिल सके। नहीं चली हरीश रावत की कोई भी होशियारी, सीबीआई समन भेजने की कर रही तैयारी। कुछ वक्त मिलने के जुगाड़ में कोर्ट जाएंगे रावत ताकि चुनाव तक ना झेलनी पड़े और फसीहत। क्या सियासी पैतरों से छिप जाएगा सच? सीबीआई के शिकंजे से बचने के लिए हरीश रावत ने क्या नहीं किया? अधिसूचना रद्द की, एसआईटी का गठन किया, तमाम तर्क दिए, मगर नतीजा वही ढाक के 3 सब सियासी पैतरे बेकार हो गए और सीबीआई की तलवार सिर पर तनी रही। अब खबर ये है कि सीबीआई जल्द हरीश रावत को समन भेजने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सीबीआई ने सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है, लेकिन सियासी दांव पेचों का परपंच करने वाले अब भी कहां चुप बैठने वाले हैं। हरीश रावत भी कोर्ट जाने की तैयारी में हैं, जबकि यहां से भी राहत की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 फैसलों में सीबीआई जांच रोकने को गलत बताया था। लेकिन फिर भी रावत साहब तैयारी में हैं। अब भले राहत मिले ना मिले, वक्त जाया करने का वक्त ही मिल जाए और तब तक चुनाव सिर पर आ जाए। वहीं मदन बिष्ट का स्टिंग भी हरीश की मुसीबत और बढ़ा रहा है। सीबीआई ने उसकी भी जांच करवा ली है। ऐसे में मदन बिष्ट समेत उन तमाम 12 विधायकों की भी परेशानी बढ़ सकती है। पहले भी कह चुके हैं कि हम सीबीआई को पूरा सहयोग करेंगे, प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य को ये तय करने का अधिकार है कि वो कैसी जांच करवाए। सीबीआई जांच से कांग्रेस खेमे में हड़कंप मचा है। कांग्रेस इसके लिए मोदी सरकार को कोस रही है, तो बीजेपी कह रही है कि हरीश रावत ने देवभूमि का नाम मिट्टी में मिला दिया। षड्यंत्र करके जो माननीय राज्यपाल जी के 2 सलाहकार दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में भेजे गए थे, राज्यपाल जी तो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं, तो उसका कानूनी पक्ष देखना पड़ेगा, तभी मैं उसमें कुछ कह सकता हूँ। सीबीआई के पंजे से निकलना उनके लिए आसान नहीं होगा। उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है कि वो उस सीडी में वो जो मौजूद हैं। कुल मिलाकर हरीश रावत सत्ते में है, बचने के रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन झूठ और फरेब के ना हाथ पैर होते हैं ना उसको रास्ता मिल पाता है, तो भला यहाँ ये तलाश कैसे पूरी होगी? सीबीआई जांच से बचने के लिए हरीश रावत के तमाम पैतरे विफल साबित हो रहे हैं। ऐसे में आखिरी हथियार के रूप में कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं हरीश रावत। वहीं
सीबीआई भी हरीश रावत से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, इसलिए सवालों की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई कब हरीश रावत से पूछताछ करती है या फिर हरीश रावत कोई और जुगत लगाते हैं सीबीआई से बचने के लिए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। और उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक जारी है, देहरादून सचिवालय में चल रही है बैठक। चारधाम यात्रा, शराब नीति समेत कई मसलों पर फैसला होना है। सीबीआई जांच के मामले में कोर्ट जाने के मामले पर भी हो सकता है कोई अहम फैसला। हालांकि कोर्ट पहुंच चुके हैं सीएम हरीश रावत और वहां पे 2:15 पर इस पूरे मामले की सुनवाई भी होनी है। चारधाम यात्रा, शराब नीति समेत कई मसलों पर अहम फैसला इस कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक चल रही है, इस वक्त कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो देहरादून सचिवालय में बैठक चल रही है, अपने दर्शकों को बता दें कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। और सीधे रुक कर सकते हैं इस वक्त देहरादून का, मेरे सहयोगी हेम भट्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अहम कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं आज की इस बैठक में जिन पर अहम फैसला लिया जा सकता है? देखिए घनश्याम, जैसा आपने बताया चारधाम से जुड़े हुए जो तमाम मामले हैं वो आज डिस्कस हो सकता है कैबिनेट में। कुछ ही देर बाद ब्रीफिंग होगी तो साफ हो जाएगा किन किन मामलों में मुहर लगी है। इसके अलावा आबकारी जो नीति है उसमें भी बदलाव को लेकर चर्चाएं चल रही हैं सरकार के भीतर, उन पर भी आज चर्चा की जाएगी कि किस तरह का बदलाव क्या आबकारी नीति में सरकार करने जा रही है। ये इस समय बैठक चल रही है, कुछ देर में साफ हो जाएगा। इसके अलावा कई विभागों में नियुक्तियां होनी है, पद खाली है तो उस पर भी संभव है कि वहां पर चर्चा चलेगी कैबिनेट में। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु और है घनश्याम, वो ये है कि विनियोग विधेयक जो 18 मार्च का विनियोग विधेयक था सरकार का, सरकार ये चाहती है कि वो विनियोग विधेयक आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि जो केंद्र लाए थे जो विनियोग विधेयक उसमें करीब 1300 करोड़ की कटौती बताती है सरकार, और ये कहती है कि जो नई योजनाएं सरकार ने शुरू करनी थी वो नहीं कर पाएगी। इसलिए क्या विनियोग विधेयक को लेकर क्या कोर्ट का रास्ता अपनाया जाए, कैसे इस पर केंद्र से बातचीत करें, इस पर भी थोड़ी देर में ब्रीफिंग होगी, आपके पास फिर लौटेंगे हम। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और देहरादून से खबर अपने दर्शकों को बता दें, लेकिन उससे पहले आपको हम बता रहे थे कैबिनेट की बैठक हो रही है, थोड़ी देर में ब्रीफिंग होने वाली है, तफसील से तब पता चल पाएगा कौन से खास मुद्दे आज की इस बैठक का हिस्सा रहे। वैसे देहरादून से खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के बीच बहस की खबर मिल रही है। त्यूनी में थाना खोले जाने को लेकर विवाद हुआ है, गृह मंत्री प्रीतम सिंह थाना नहीं खोलने पर अड़े हुए हैं, बाकी मंत्री थाना खोलने की बात करें, इसी बात को लेकर बहस हो रही है कैबिनेट में। अपने दर्शकों को बता दें पंकज पवार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, इस बहस का मुद्दा त्यूनी में थाना खोलना ही है या फिर ये एक अहम का टकराव है जो अब हर रोज हम देख पाएंगे? नहीं, देखिए जो थाना खुला था राष्ट्रपति शासन के दौरान, उसके बाद वो कैबिनेट में उसको वापस कराया गया बकायदा गृह मंत्री प्रीतम सिंह के दबाव में, और उसके बाद जो बीजेपी ने कांग्रेस की फजीहत की और जो तमाम चैनलों पे कांग्रेस के खिलाफ माहौल गया, तो उसको देखते हुए आज कैबिनेट की बैठक में लगभग 1 से 1.5 घंटा उसी पर चर्चा हुई कि वहाँ पर त्यूनी में थाना खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। गृह मंत्री जो है वो अपने गृह क्षेत्र में ही थाना नहीं खुलवाना चाहते हैं, लेकिन बाकी जो अन्य मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि ये गलत है। अगर आप कानून की बात कर रहे हैं तो कानून की पहुंच हर जगह होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप उसको कहीं से दरकिनार कर दें और केवल अपने स्वार्थों के लिए वो वहाँ पे थाना ना खुलने दें। तो उसको लेकर काफी तीखी बहस भी अंदर हुई है और साफ तौर पर उस पर अब जो ब्रीफिंग होगी तो ये पता चलेगा कि उसमें क्या फैसला हुआ, लेकिन अंदर ये इस बात को लेकर मंत्रियों के बीच में और प्रीतम सिंह जो गृह मंत्री हैं उनके बीच में इस बात को लेकर बहस जरूर हुई है। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर जहां कांग्रेसियों में घमासान मचा है, वहीं पीडीएफ की दावेदारी ने कांग्रेस की मुसीबत और बढ़ा दी है। ऐसे में कांग्रेस हरिश्चंद्र दुर्गापाल पर दाव लगाने की तैयारी कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अभी जल्दबाजी में कोई घोषणा नहीं कर रहे। सीएम के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में कौन जाएगा इसका फैसला हाईकमान स्तर से होना है, हाईकमान जल्द ही फैसला कर देगा। जब मौका आता है तब लोग अच्छी बात है, लोकतांत्रिक तरीके वो हैं, अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन अनंतोगत्वा जो निर्णय शीर्ष स्तर से होगा उसका हम सब लोग अनुपालन करेंगे। आपको ज्यादा हम तकलीफ नहीं देंगे राज्यसभा वाले मामले में जो है। और कांग्रेस के 9 बागियों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी के अंदर अलग अलग चर्चाओं का दौर शुरू हो चला है। 2017 के लिए जहां बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आती है, वहीं इससे अंदरूनी असंतोष बढ़ने की आशंकाएं भी जाहिर होने लगी हैं।
बागियों संग मिलकर बढ़ी बीजेपी की ताकत, मगर घर का घमासान न करा दे फजीहत। बीजेपी नेता बागियों के लिए सीट करेंगे कुर्बान। तालमेल सही न बना तो पार्टी को होगा नुकसान। बागियों से मजबूती भी चुनौती भी। बागी बीजेपी के हो गए हैं, यानी बीजेपी की ताकत बढ़ गई है, क्योंकि नेताजी तो आए और साथ में समर्थकों का हुजूम भी लाए। बीजेपी का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व से कांग्रेस के लिए बड़ा झटका मान रहा है, मगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यकीनन बागियों के आने से बीजेपी का कुनबा बढ़ा, कद्दावरों ने बीजेपी की ताकत बढ़ाई, लेकिन क्या बीजेपी नेता इसे पचा पाएंगे? खास तौर से वो नेता जो अपनी सीटों पर चुनाव की तैयारी में जुटे थे, वो अपनी सीटें नए भाजपाइयों के लिए कुर्बान करेंगे, और अगर दबाव में सीट दे भी दी तो क्या उनकी जीत के लिए दम लगाएंगे? क्योंकि ये तो तय है कि नए नेताजी को मन माफिक सीटें मिलेंगी। इसके अलावा बीजेपी हाईकमान के आगे चुनौती ये भी है कि मिशन 2017 का चेहरा किसको बनाए, क्योंकि तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों की तिकड़ी तो पहले से ही है, और सतपाल महाराज के साथ ही बीजेपी की दूसरी पात के नेता भी खड़े हैं, और अब बहुगुणा और हरक भी सामने है। तो अब बीजेपी किसको आगे लाएगी और किसको पीछे कर नाराजगी का जोखिम लेगी? विरोध स्वाभाविक तौर पर ऐसा विरोध कुछ नहीं हुआ है, जो छुटपुट कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों ने अपनी अपनी विषय रखे हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इन्होंने जो त्याग किया है वो राज्य को बचाने के लिए किया है, इसलिए उस त्याग के बीच में इस तरह का विषय ये गौण हो जाता है, और इसलिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के इनका स्वागत करेंगे। बागियों के साथ आने से बीजेपी भले ही उत्साहित हो रही हो, लेकिन कांग्रेस नेता बीजेपी वालों को खबरदार कर रहे हैं कि इतना इतराए नहीं, बागियों संग भविष्य गर्त में है। की गंगा में दोनों जो है, दोनों पाप की जो गंगाएं हैं, गंगा नहीं कह सकते, जो परनाले हैं, वो एक साथ होकर के जो उत्तराखंड के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनका काम है। तो आज ये सारे के सारे जवाब भारतीय जनता पार्टी और उन 10 लोगों को, उत्तराखंड की जनता को देने हैं। बागी कांग्रेस का घर छोड़कर गए हैं, लिहाजा उनकी अपनी अलग पीड़ा है, लेकिन ये भी सच है कुनबा जितना बड़ा होता है कलहा उतनी ज्यादा। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के रणनीतिकार या अग्नि परीक्षा पास कर पाते हैं या नहीं। बागियों के शामिल होने से भाजपा में दिग्गजों की फौज तो नजर आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सभी दिग्गज साथ मिलकर 2017 के रण में भाजपा को जीत दिला पाएंगे? कैमरामैन गौरव पंत के साथ मैं प्रशांत राय, समाचार प्लस, देहरादून। सीएम हरीश रावत ने मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा के जत्थे को बीजापुर गेस्ट हाउस से रवाना किया। गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब और रीठा मीठा साहिब से दून आया ये जत्था, जो बोले सोनिहाल के जयकारों के बीच रवाना हो गया। इस जत्थे में 20 महिलाओं और 14 पुरुष यात्री शामिल है। जत्थे को रवाना करने के दौरान सीएम हरीश रावत ने कहा कि मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा सबसे ज्यादा सफल है। भगवान विश्वनाथ तक्षशिला की डोली पहाड़ों से उतरकर मां गंगा का स्नान करने धर्मनगरी हरिद्वार के पौराणिक स्थल हर की पैड़ी पहुंची। कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई और सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ पहुंची डोली का ढोल नगाड़ों की थाप के साथ जोरदार स्वागत किया गया, और पूरे विधि विधान के साथ बाबा को मां गंगा में स्नान कराया गया। डोली अब यहां से रवाना होकर उत्तराखंड के सभी जिलों का भ्रमण करेगी और गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर विशान पर्वत पहुंचेगी। गंगा दशहरा का स्नान कर यात्रा संपन्न होगी। यात्रा का मकसद विश्व में शांति की स्थापना है, देव संस्कृति की रक्षा करना और इसे जीवित रखना है। विश्वनाथ जगदीशिला डोली के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति की कामना, देव संस्कृति, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, संप्रदाय के हैं, उनकी जो देव संस्कृतियां हैं वो जिंदा रहनी चाहिए, और साथ ही साथ जो विकास का रथ का पहिया है वो भी आगे बढ़े। तो उत्तराखंड में चार धामों के अलावा 1000 धाम स्थापित हों,
और देवभूमि का जो कंसेप्ट है हमारा वो हम साकार कर सके, तो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है। और उधमपुर से खबर, जहां कच्ची खमरिया गांव में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। शराबी पिता ने बेटी, बेटे और पत्नी का कत्ल कर दिया। 2.5 साल की एक बेटी की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मासूम को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। तो शराबी पिता ने बेटी, बेटे और पत्नी पे वार किया। हालांकि 2.5 साल की जो बेटी है उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। शराबी पिता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो मासूम को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जो 2.5 साल की बच्ची है जिसको मारने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने जो आरोपी पिता है उसको अरेस्ट कर लिया है। पत्नी और बेटे, साथ ही साथ बेटी पर इस शराबी पिता ने हमला किया। रुद्रपुर कच्ची खमरिया गांव में ट्रिपल मर्डर हुआ जिससे सनसनी फैल गई। शराबी पिता ने बेटे, पत्नी और बेटी का कत्ल किया। सीधे रुख करेंगे रुद्रपुर का मेरे सहयोगी आकाश आहूजा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या पता चल पा रहा है, वजह क्या रही आखिर? देखिए घनश्याम, अभी मेरी एसएसपी से स्वयं बातचीत हुई है, तो एसएसपी का यही कहना है कि जो अभी तक की पूछताछ उनकी कल रात से हुई है उसमें ये व्यक्ति विक्षिप्त प्रतीत हो रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में बयान बदल रहा है। 3 बयान अब तक ये सुबह से बदल चुका है पुलिस की पूछताछ में। पहले इसने जमीन की बात उठाई कि जमीन का विवाद था घर में जिसकी वजह से झगड़ा होता था, तब मैंने आजीज आकर जाकर पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद इसने ये आरोप लगाया कि इसकी पत्नी के कहीं अवैध संबंध थे। अब तीसरी बात और निकल के इसने सामने रख दी है जिसमें ये कह रहा है कि कुछ बदमाश इसके घर में घुसे थे और इसने उनसे बलात्कार से बचने के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तो कुल मिलाकर ये अपराधी बहुत शातिर है एसएसपी का कहना है, या फिर ये विक्षिप्त है, क्योंकि कल नशे की हालत में था, रात पुलिस से पूछताछ नहीं कर सकती। आज जब इसे होश आया है तो उसके बाद पुलिस की पूछताछ में लगातार बयान बदल रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हालांकि 3 मौत हो चुकी है, लेकिन राहत वाली बात एक ही है घनश्याम, की जो बच्ची कल घायल हुई थी वो स्टेबल है। इस समय डॉक्टर ने उसे बचा लिया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके बचने की पूरी संभावना है। शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। दून मेडिकल कॉलेज में लोग मेडिकल परीक्षण के लिए हफ्ते भर चक्कर काटते रहते हैं, तो अमरनाथ यात्रियों से मेडिकल परीक्षण के लिए पैसे वसूले जा रहे हैं। हाथ तो तब हो गई जब सीएमएस से बात करने पर पता चला कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है। हालांकि उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया। आपको बता दें कि प्रदेश में तीर्थ यात्रियों के लिए मुफ्त मेडिकल परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कई दिन अस्पताल के चक्कर काटते और मजबूरन पैसा भरने से दून मेडिकल अस्पताल में आने वाले लोगों में खासा गुस्सा है। हम यहाँ पर दून हॉस्पिटल में जो है मेडिकल चेकअप के लिए आ रहे हैं, किंतु हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है कि अमरनाथ यात्रा के लिए कोई अलग से काउंटर निर्धारित किया गया हो। अगर यही सेम व्यवस्था कोई दूसरे समुदाय के लिए कहीं जाने के लिए होती तो शायद फ्री में सब कुछ हो रहा होता। यहाँ पर हम पैसे जमा करने के बावजूद भी हमारा रजिस्ट्रेशन अभी जो मेडिकल हमें मिलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जो चीज़ गलत है गलत है, पहले नहीं लिए जाते हैं, आप क्यों लिए जाएंगे? जिस चीज़ का फ्री, चाहे वो हज के लिए जाना हो, चाहे ये जाना हो, इसके लिए अमरनाथ यात्रा को जाना है, तो सब चीज फ्री होगी। दून के महिला अस्पताल में बड़े हादसे का शिकार होने से मरीज बाल बाल बचे। मेडिकल कॉलेज की महिला अस्पताल की वार्ड की छत गिर गई जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। एक महिला और उसका नवजात छत की चपेट में आने से बाल बाल बचे। हालांकि बताया जा रहा है कि महिला को कुछ चोटें आई हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन अब मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अस्पताल की तस्वीरें बता रही है कि यह हादसा कोई मामूली बात नहीं है। अस्पताल के MSUP निर्माण निगम के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। उनका कहना है कि निर्माण कार्य में लापरवाही की गई। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में इन दिनों निर्माण हो रहा है। गिरती छत निर्माण की मजबूती की पोल खुद बयां कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दुखद तस्वीरें ये महिला वार्ड की तस्वीरें हैं जहां छत गिरने से बड़ा नुकसान हो सकता था। अल्मोड़ा के जंगल फिर से धधक रहे हैं। अब तक जिले के 153 जंगलों में आग लग चुकी है जिससे 457 हेक्टेयर वन भूमि जलकर राख हो चुकी है। आग लगने की घटना से जिला प्रशासन और वन विभाग एक बार अलर्ट हो गए। फिर से आग बुझाने की कोशिश जा रही है। आपको बता दें कि आग से धधकते जंगलों को बारिश से राहत मिली थी, लेकिन फिर से बढ़ती गर्मी से जंगल धधकने लगे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अल्मोड़ा के जंगल है ये जो लगातार धधक रहे हैं और इन पर काबू पाने की हर कोशिश वन विभाग की नाकाम साबित हो रही है। इंतजार अब बारिश का है कि मेघ बरसे तो फिर ये जलती हुई आग बुझ पाए। तो अल्मोड़ा से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई है। आपको बता दें लगातार वन विभाग के अपने दावे हैं, कोशिश की जा रही है
जो आम लोग हैं वो खौफजदा हैं, क्योंकि ये जंगल उनके घरों की दहलीज तक भी पहुंचते हैं और कई लोगों की जो घर की छत है वो इन्हीं जंगलों से जुड़ती हुई भी नजर आती है। अल्मोड़ा के जंगल है ये, जहाँ लगातार आग बढ़ रही है। हालांकि जो लोकल एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं, वो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास नाकाफी है। कोई ठोस मैकेनिज्म वन विभाग के पास नहीं है जिसके जरिए इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की, और बढ़ती हुई गर्मी इस आग को और भड़का रही है। अल्मोड़ा के जंगलों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, फिर सुलगने लगे हैं अल्मोड़ा के जंगल, और ऐसे में जबकि सैलानी रुक करने लगे हैं उत्तराखंड का, खासकर अल्मोड़ा नैनीताल रानीखेत, ये वो बेल्ट है जहां लगातार सैलानी इन दिनों बहुतायत में पहुंचते हैं, वहां पर इस तरह की आग की घटनाएं अब सैलानियों को भी डराने लगी है। तो कैसे होगा जंगलों की आग का अंत, ये बड़ा सवाल है, लेकिन अभी तक इस सवाल का जवाब ना वन विभाग के पास है और ना ही शासन के पास, और लगातार जंगल धधक रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था किस तरीके से सेना वहां पहुंची थी और उन्होंने आग पर काबू पाया था। हरीश भंडारी जुड़ रहे हैं अल्मोड़ा से मेरे साथ, मेरे सहयोगी हरीश, क्या जानकारी मिल रही है, ये जंगल तो फिर से धधकने लगे? जी मैं बता दूं, ये कुछ बरसात के बाद कुछ राहत की सांस जरूर वन विभाग ने ली, लेकिन वर्तमान में अभी अल्मोड़ा जनपद की अगर बात की जाए तो कम से कम 16 जंगल अभी भी जल चुके हैं, 153 जो है घटनाएं आग की हो चुकी हैं, 432 हेक्टेयर जो जमीन है वो लगभग लगभग अभी जल चुकी है। शुक्रिया हरीश तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार ये जो वन है वो जल रहे हैं, लेकिन अभी कब आग बुझेगी इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है।